तो एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन आता था उसका फॉर्मूला आया था अपना माइनस एफ नोट अपॉन यू ई, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एफ नोट इंटू वन अपॉन यू ई। अब हम दो केस स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस होगा व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल डी, और सेकेंड केस होगा व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये दो केस हमने माइक्रोस्कोप में भी पढ़े हैं, सेम यही यहाँ पर पढ़ेंगे। तो केस फर्स्ट है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल डी। तो देखो फाइनल इमेज है वो आईपीस वाला लेंस बनाता है, इसलिए जो लेंस इक्वेशन हम यूज करेंगे वो आईपीस के लिए ही यूज करेंगे, क्लियर है। तो देखो इमेज जो डिस्टेंस है उसको तो हम लिख देंगे डी, क्योंकि इमेज इधर बनती है तो साइन कन्वेंशन जब यूज करेंगे तो इधर की डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे और इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव। तो देखो साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे तो इमेज डिस्टेंस को हम लिखेंगे माइनस डी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिखेंगे माइनस यू, आईपीस लेंस है इसलिए ई लगा देंगे यहां पर। अब लेंस इक्वेशन अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन होता है अपना वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू वन बाई एफ। अब कौन से लेंस के लिए अप्लाई करनी है, तो आंसर है आईपीस के लिए, तो यहां पर ई लगा देंगे हम। VE की वैल्यू ये पुट कर देंगे, UE की वैल्यू ये पुट कर देंगे। तो देखो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1 अपॉन VE तो VE की जगह वैल्यू पुट कर देंगे माइनस डी, माइनस 1 अपॉन UE तो UE की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस UE इक्वल्स टू 1 बाई FE, क्लियर है। तो देखो ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन UE इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ई, और ये 1 बाई डी जो है नेगेटिव है, इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा 1 अपॉन डी। तो ये 1 बाई यू ई की वैल्यू आ चुकी है, इस 1 बाई यू ई की वैल्यू को आप इक्वेशन 4 में पुट कर दो तो ये अपना मैग्निफिकेशन निकल जाएगा केस फर्स्ट में। तो देखो मैग्निफिकेशन आता है अपना एम इक्वल्स टू माइनस एफ नोट एन टू 1 अपॉन यू ई, तो 1 अपॉन यू ई की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाता है। इसी को थोड़ा देखो रीअरेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ ई से इधर मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो एफ ई, एफ ई से मल्टीप्लाई किया और एफ ई से डिवाइड किया, तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसमें एफ ई और एफ ई कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो देखो ये एम इक्वल्स हो जाएगा अपना माइनस एफ नोट अपॉन में एफ ई, बाहर ले लिया तो इधर बच जाएगा देखो वन प्लस इधर बच जाएगा एफ ई अपॉन में डी। तो ये वाला फॉर्मेट अपने को याद रखना है। तो ये मैग्निफिकेशन है फर्स्ट केस में, क्लियर है। एक फॉर्मूला ये याद रखना है, सेकंड अपने को ये याद रखना है, क्लियर है। अब सेकंड केस है सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा चेंज करना है, देखो इसको तो नोट कर लो। केस सेकंड है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो देखो इमेज डिस्टेंस को अब डी की जगह हम इन्फिनिटी कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो वी की जगह अब इन्फिनिटी पुट करना है अपने को, और 1 बाई इन्फिनिटी होता है 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो 1 बाई यू ई ये पॉजिटिव है, तो 1 बाई यू ई की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एफ ई, और इस 1 बाई यू ई की वैल्यू जो है इसको अगेन इक्वेशन 4 में पुट कर दो तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा अपना, देखो कितना आता है। तो एम इक्वल्स टू माइनस एफ नोट इन टू 1 अपॉन यू ई, तो देखो 1 अपॉन यू ई की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन एफ ई, इसको हम कह सकते हैं एम इक्वल्स टू माइनस एफ नोट अपॉन में एफ ई। ये मैग्निफिकेशन है जब फाइनल इमेज अपनी इन्फिनिटी पर बनती है, क्लियर है।
एक चीज और ध्यान रखना, इसमें पूछा जाता है लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब क्या होता है, देखो ये दोनों लेंस के बीच जो डिस्टेंस है यहीं पे तो ट्यूब लगी होती है, तो इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। तो लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस एफ नॉट और ये डिस्टेंस यू ई, इसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ ट्यूब। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको भी, लेंथ ऑफ ट्यूब। इस पे न्यूमेरिकल आता है तो इसको हम लिखेंगे V नोट प्लस यू ई। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस है, यू ई का मोड ले लो या फिर डायरेक्ट पॉजिटिव लिख लो उसको, क्लियर है। अब ध्यान रखना जो सेकंड केस था अपना, उसमें जो यू ई की वैल्यू है ये आती है एफ ई, क्लियर है। यहाँ से देखो तो यहाँ पर हम यू ई की जगह लिख सकते हैं एफ ई, तो ये अपनी लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा सेकंड केस में, वी नोट प्लस एफ ई, क्लियर है। तो ये कुछ डेरिवेशन था। अब यहाँ पे तीन फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं मैग्नीफिकेशन का, ये जनरल फॉर्मूला था, फिर केस फर्स्ट पढ़ा था हमने, फिर केस सेकेंड पढ़ा था, तो तीनों फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए। अब इन तीनों फॉर्मूले से देखो क्या कॉन्क्लूजन निकलता है, तो मैं तीनों को एक साथ लिख देता हूं फॉर्मूले को। तो केस फर्स्ट में जो मैग्नीफिक, ये तो जनरल फॉर्मूला है, केस फर्स्ट में जो मैग्नीफिकेशन आया था अपना वो था एम इक्वल्स टू माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन डी, और केस सेकेंड में ये आया है एफ नॉट अपॉन एफ ई। तो यहाँ से देखो मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम तब होगा जब फाइनल इमेज डी पर बनती थी, है कि नहीं। तो ध्यान रखना मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम तब होगा जब फाइनल इमेज डी पर बने। दूसरा कंक्लूजन ये है कि इस टेलीस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर है वो नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव मैग्नीफाइंग पावर का मतलब ये होता है कि जो फाइनल इमेज है वो इन्वर्टेड बनेगी, उल्टा बनेगी। देखो अपना ऑब्जेक्ट ऐसे था इधर, उसकी फाइनल इमेज ऐसे बन रही थी, तो ये इन्वर्टेड इमेज है इसलिए नेगेटिव आता है यहाँ पर। और एक कंक्लूजन ये है कि अगर अपने को मैग्नीफिकेशन बढ़ाना है तो उसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, एफ नोट को बढ़ा सकते हैं या फिर इसको डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इसको डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी एफ ओ, उतना ही हमारा मैग्नीफिकेशन बढ़ाएगा, अच्छा आएगा। आई पीस जितना छोटा होगा उतना ही मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगा, क्लियर है। तो ध्यान रखना इसीलिए इसमें ऑब्जेक्टिव है वो बढ़ा लिया जाता है ताकि वो लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सके, साथ ही में मैग्नीफिकेशन को भी इंक्रीज कर सके, क्लियर है। तो ये था अपना रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल। थैंक यू।